झारखंड प्रदेश में चल रहे राजनीतिक परिवेश को देखा जाए तो आने वाले समय में राज्य में भाजपा और झामुमो नेता कार्यकर्ता आमने सामने होंगे, जहां कभी भी हिंसक झड़प हो सकती है। यह अंदेशा पिछले काफी दिनों से लगाया जा रहा है। जिस प्रकार भाजपा झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार का विरोध कर रही है, झामुमो नेता कार्यकर्ता अब उसी अंदाज में भाजपा का सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं, जिससे कि एक बड़ी राजनीतिक तक राहत होता दिखने लगा है, जिसका एक छोटा सा नमूना रामगढ़ में देखने को मिला। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत भाजपा रामगढ़ नगर प्रखंड कमेटी के रामगढ़ प्रखंड कार्यालय के समक्ष 11 नवंबर को प्रदर्शन करना था। भाजपा के सैकड़ों नेता कार्यकर्ता स्थानीय फुटबॉल मैदान से जुलूस के रूप में रामगढ़ प्रखंड कार्यालय के लिए निकले। जुलूस लगभग 1 बजे के आसपास रामगढ़ प्रखंड कार्यालय के निकट पहुंचा। उसी दौरान झामुमो के दर्जन भर नेता कार्यकर्ता प्रखंड कार्यालय मोड़ के पास पहुंचे। विरोध प्रदर्शन मार्च में शामिल भाजपा नेता कार्यकर्ता हेमंत सोरेन मुर्दाबाद सहित कई नारे लगा रहे थे। प्रखंड कार्यालय मोड़ के निकट झामुमो नेता इसी दौरान हेमंत सोरेन जिंदाबाद का नारा लगाते हुए झंडा हवा में लहराने लगे। कुछ समय के लिए एकाएक वहां पर तनाव की स्थिति नजर आने लगी, लेकिन भाजपा नेता कार्यकर्ता प्रखंड कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करने के लिए निकल गए। प्रखंड कार्यालय मोड़ के पास झामुमो के दर्जनों नेता कार्यकर्ता एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर पटाखे फोड़कर हेमंत सोरेन जिंदाबाद का नारा लगाते रहे। दूसरी ओर भाजपा के नेता प्रखंड कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन के दौरान हेमंत सोरेन और हेमंत सरकार पर जोरदार हमला बोला। एक तरफ जहां हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे झामुमो कार्यकर्ता लगा रहे थे, वहीं दूसरी ओर भाजपा के कार्यकर्ता हेमंत सोरेन मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, जिससे कि उस क्षेत्र का माहौल कुछ समय के लिए लोगों के समझ से बाहर हो गया। रामगढ़ में हुई इस प्रकार की घटना को कम आंक कर नहीं चलना चाहिए। कभी भी इस घटना का राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसक रूप लेने का क्या संभावना है? झारखंड में चल रहे राजनीतिक परिवेश में इस प्रकार की घटना अभी और सामने आएंगे। आज का ये घटना बहुत कुछ स्पष्ट कर रहा है।